सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी पेड़ों की कटान को लेकर काफी सख्त हैं। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दो बार दिशा की बैठक में उन्होंने अवैध आरा मशीनों को बंद करने के निर्देश दिए थे। सांसद जिले में लगातार वृक्षारोपण भी करा रही हैं। वो खुद भी जब जिले में आती हैं तो वृक्षारोपण करती हैं। उनका इरादा है कि सुल्तानपुर जिले को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाए कि कभी भी बाहर से कोई आए तो उसे सुल्तानपुर जैसी खूबसूरती कहीं ना दिखे। लेकिन लगातार शहर के किसी न किसी कोने से पेड़ों की कटाई की खबर सामने आ रही है। कई बार शिकायतें हुई और नजरअंदाजगी भी, लेकिन इस बार बुलडोजर चला है। वो बुलडोजर जो अभी तक अतिक्रमण और अवैध बिल्डिंग पर चलता था, उसने आज अवैध आरा मशीनों को उखाड़ कर फेंक दिया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बीते दिनों सुल्तानपुर में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा और इस बार इसकी जद में आई हैं आरा मशीनें। दरअसल बीते दिनों उप प्रभागीय वन अधिकारी शिवशंकर सिंह की ओर से पुलिस और वन विभाग की टीम ने 7 आरा मशीनों पर रेड डाली। इस दौरान टीम को देखते ही मशीन के आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उन सभी को पता था कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देखते ही देखते बुलडोजर ने सभी मशीनों को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें, पूरे भार में करीब 7 मशीनों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके जुर्माना भी वसूला गया है। जानकारी के मुताबिक कुरेभार थाना क्षेत्र के टिहरा गांव में अशोक विश्वकर्मा, बगहरौली में द्वारका प्रसाद, ठेसरुआ में द्वारका विश्वकर्मा, निहाल सिंह का पुरुआ में मंगरू, किरौंदीपुर में मुन्नू तिवारी और कुरेभार में नदीम के साथ साथ सेमरा में खुर्शीद अहमद की आरा मशीनों को सीज किया गया है। वहीं सभी को वन अधिकारियों ने साफ लहजे में ये वार्निंग दी है कि अगर अवैध कटाई नहीं रुकी तो सभी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर इस चेतावनी का इन अवैध कटाई करने वालों पर कोई असर पड़ता भी है या नहीं। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।